धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, आपने हमें आज का ये सुंदर समय दिखाया। प्रभु यीशु मसीह, आपने हम सबको आशीषित किया। प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हम सब भाई और बहनें मिलके प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में महिमा और बड़ाई करते हैं, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी अगुवाई में प्रभु आगे बढ़ते रहते हैं। अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम आपके बताए मार्गों पर आगे चलते हैं। हम आपके बताए वचनों पर दृढ़ रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम सब आप में खुश हैं, मगन हैं, और प्रभु यीशु मसीह आप में आनंदित हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपने हमें आशीषित किया, अनुग्रहित किया। प्रभु अपने प्रेम, अपनी करुणा, अपनी दया सदा बनाए रखा। प्रभु यीशु मसीह, हम आप में और आप हम में सदा बने रहें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना निवेदन करेंगे अपने सभी भाई और बहनों के लिए प्रभु यीशु मसीह, कि आप उनके जीवन में आशीष और बरकत लेकर आए। प्रभु यीशु मसीह, आज कितने ऐसे भाई बहन हैं प्रभु जो आपकी आशीष के लिए तरस रहे। प्रभु आप उनके हर प्रकार के आशीष और अनुग्रह से परिपूर्ण करें। प्रभु यीशु मसीह, जो आज कितने भाई बहन हैं प्रभु जो बंधन में, जुआ में, जो श्रापित हैं, जो अंधकार की दुष्ट तरकीब प्रभु यीशु मसीह बंधे हुए हैं, दुष्टता आज उनको प्रभु जकड़े हुए हैं, अंधकार की जिंदगी में है प्रभु यीशु मसीह, जिनके जीवन में पूरी तरह से हताशा और निराशा है खुदावन यीशु मसीह, प्रॉब्लम्स को, हर प्रकार से उनके तकलीफों को, दर्द को प्रभु यीशु मसीह आज आप उनकी सुधि ले प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर, आपकी अगुवाई हो परमेश्वर, उनके जीवन में आपकी आशीष हो, बरकत हो प्रभु, तरक्की और उन्नति हो प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना निवेदन करते हैं सभी भाई और बहनों के लिए प्रभु, कि आज उनके परिवार में, उनके घर में बड़ी आशीष हो, बड़ी करुणा और बड़ी भलाई हो। प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम से मांगते हैं प्रभु कि उनके जीवन से जितने भी प्रकार की प्रभु आज आशीष रुकी हुई है, आज वो स्वर्गीय आशीष खुदावन उन पर उडेल दी जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हाँ प्रभु, आज कितने ऐसे लोग हैं प्रभु जो अपने दुखों से पीड़ित है प्रभु, अपने हताशा निराशा से प्रभु बहुत ही झुंझलाए हुए हैं, चिंतित है खुदावन, उनके मन में बड़ी ही निराशा है प्रभु, कि आज उनके जीवन अस्थिर है, कुछ भी प्रभु उनके काम सही नहीं हो रहे हैं, सारे काम में रुकावट और बंद बाधाएं है प्रभु, संघर्ष है जो उनके जीवन में, जो उनको हमेशा ही पीछे धकेल रहा है प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर, आज उनकी सुधि ले, आज उनके दर्द और पीड़ाओं को आप सुनने वाले हैं प्रभु, क्योंकि आप हमारे जीवते परमेश्वर हैं, हमारे हर प्रकार से आशीषित करने वाले परमेश्वर। आज उनके हर प्रकार की पीड़ाओं को, दर्द को, तकलीफ को खुदावन आप सुनने, उनके प्रभु जितने भी परिस्थितियां खराब है प्रभु, आज उनकी सुधि ले प्रभु, और हर प्रकार से प्रभु आशीषित और अनुग्रहित करें खुदावन, कि उनका जीवन सफल हो पाए। हाँ मेरे परमेश्वर, आपने प्रभु उनको हमेशा ही संवारा है, संभाला है प्रभु यीशु मसीह, और ऊंचाई ऊपर रखा है प्रभु यीशु राजा। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु हर एक बातों के लिए खुदावन, कि आपने उनको हर प्रकार से आशीष और बरकत परिपूर्ण किया है प्रभु। आज वो प्रार्थना के द्वारा प्रभु इनके जीवन से हर प्रकार के निराशाएं, हर प्रकार के परिस्थितियां जो बुरी है वो खत्म होने पाए, उनके जीवन में हर्ष उल्लास बना रहे प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे की खुदावन यीशु राजा, आज उनकी सुधि ले प्रभु, आज उनके जीवन से दुख पीड़ा दर्द खत्म होने पाए यीशु मसीह, आज उनके जीवन में बड़ी भलाई, बड़ी करुणा, बड़ी दया आने पाए प्रभु, आप उनके जीवन में बरकत लाए कर आए प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ मेरे परमेश्वर, आपका जी, आपकी आशीष सदा बनी रहे प्रभु, आपके वचन के द्वारा हम दृढ़ किए जाए प्रभु यीशु मसीह, आपके सामर्थ को प्रभु हम प्राप्त करते जाए प्रभु, आपकी अगुवाई में हम सदा आगे बढ़ते जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
मेरे परमेश्वर हम सबको अपनी आशीष में सुरक्षित रखे प्रभु यीशु मसीह। हमारे जीवन में हर प्रकार के खौफ खतरे मुसीबतों को प्रभु आप छुड़ाए और बचाए। प्रभु हम आज यहाँ जीवित है प्रभु क्योंकि आपने हमें संभाला है, आपने प्रभु हमारे हर प्रकार के खौफ खतरों मुसीबतों से छुड़ाया प्रभु, और इस बात के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे परमेश्वर आज जितने भाई बहन प्रभु आपकी आशीष और बरकत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में बड़ी बदलाव आए, बड़ी आशीष लेकर आए प्रभु, आप उन पर अपना अनुग्रह प्रदान करें प्रभु यीशु मसीह, उनकी उन्नति को बढ़ाते जाए, उनकी तरक्की को बढ़ाते जाए, उनके जीवन में बहुत याद की आशीष होने पाए प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे परमेश्वर हम सब ने प्रभु आपको ही अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, आप ही हमारे महान परमेश्वर जो प्रभु हम सब की सुधि लेने वाले हैं प्रभु, आप ही हमारे जीवन के सहारा है प्रभु यीशु राजा। हाँ मेरे परमेश्वर आपकी अगुवाई में आगे बढ़ते जाए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ मेरे परमेश्वर अपने जीवन में हमने आपको अपना ग्रहण किया है, आप ही हमारे जीवन के आधार है प्रभु यीशु मसीह, हमारे जीवन में आपकी आशीष की आवश्यकता है प्रभु, बड़ी शांति की आवश्यकता है प्रभु, आपकी बरकत की आवश्यकता है प्रभु, हम सब पर दया करुणा बनाए रखे प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर जितने भाई बहन आज प्रभु उन जीवन में तकलीफ से पीड़ित है प्रभु, आज उनकी सुधि ले परमेश्वर, उनके जीवन से हर तकलीफ परेशानियों को यीशु नासरी आपके नाम से खत्म करते हैं। हाँ मेरे परमेश्वर आपके नाम से हर प्रकार के उनके रुकावटों को दूर करते हैं, उनके संघर्ष को खत्म करते हैं प्रभु, कि आप प्रभु उनके जीवन में खुशहाली हो बरकत हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ मेरे परमेश्वर उन सब की सुधि ले प्रभु, उनके जीवन को प्रभु एक बड़े ही आशीष से परिपूर्ण करें, उनके जीवन में अद्भुत चिन्ह प्रकट करें प्रभु यीशु मसीह, और उनके विश्वास को और दृढ़ करें। आपने सता ही प्रभु हमारे जीवन में बड़े बड़े काम बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए प्रभु यीशु मसीह, और हमें विश्वास दिलाया प्रभु कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे संग आप है प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे परमेश्वर आप हमारे संग संग बनने वाले संग संग चलने वाले प्रभु यीशु मसीह, जब जब हमारे जीवन में दुख आए तकलीफ आए प्रॉब्लम आए समस्याएं आए उलझने आए प्रभु, आपने हम सबको बचाया है, आपने हम सबको संभाला है, आपने हम सबको छुड़ाया है प्रभु, हमें हर प्रकार से छुटकारा देने वाले परमेश्वर आप ही हो। हाँ प्रभु यीशु मसीह हमारा दिन आपके हाथ में है, और आप हमें हमारे शत्रुओं और हमारे सताने वालों से छुड़ाने वाले हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने वचन के द्वारा हमें आशीषित और अनुग्रहित करें प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे परमेश्वर आप प्रभु हमारे संग संग बने रहे प्रभु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपका वचन जो यूहन्ना 15:7 में लिखा है, यदि तुम मुझ में रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहती है तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन हालेलुया। आपका वचन हमें आज उत्साहित करता है, हमें दृढ़ करता है परमेश्वर, कि जब हम आप में बने रहते हैं, आपकी शिक्षा हम में बनी रहती है, तो हम जो मांगते हैं आप हमारे लिए पूरा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु इस वचन को अपने जीवन में अमल करते हैं, अपने जीवन में लागू करते हैं, और इसे अपने जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु मांगते हैं प्रभु, और विश्वास करते हैं, और इस विश्वास को ग्रहण करते हैं कि हम आप में बने रहते हैं, आपकी शिक्षाओं को हम बनाए रहते हैं, आपकी बातें की आज्ञाओं को मानते हैं प्रभु यीशु मसीह, और आपके द्वारा जितने भी मार्गदर्शन के कार्य है प्रभु हम पूरा करते हैं, ताकि जो कुछ हम मांगे प्रभु आप हमारे लिए करने वाले हो, आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे चिंताओं को दूर करने वाले, हमारे निराशाओं को हटाने वाले, हमारे हर प्रकार के प्रभु रुकावटों को दूर करने वाले प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। हां मेरे परमेश्वर आपके वचन के द्वारा हम दृढ़ स्थिर रहते हैं प्रभु। हाँ मेरे प्रभु आपकी आज्ञाओं का हम पालन करें, आपके वचनों पर दृढ़ रहे, हमें ज्ञान हमें बुद्धि हमें समझ दे प्रभु यीशु मसीह, कि हम हर प्रकार से खुदावन आपके बताए वचनों पर दृढ़ हो सके, और उनके अपने जीवन में कायम कर सके, अपने जीवन में इस वचन को अमल कर सके प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। आमीन हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें अपनी आशीष से परिपूर्ण करें, अपनी करुणा दया बनाए रखें प्रभु। आपका वचन जो यशया 26 में लिखा है प्रभु, कि जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है
उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु वचन जो हमें दृढ़ करता है कि हमारा मन आप में धीरज धरा है, हम पूरे धैर्य के साथ धीरज के साथ आप में बने हैं प्रभु यीशु मसीह। हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। हर एक परिस्थितियों में खुदावन हम आपसे प्रार्थना निवेदन करते हैं प्रभु कि आप ही हमारे एकमात्र परमेश्वर हो, हमारे जीवते खुदावन, जीवता आपका वचन प्रभु, जीवता प्रभु आप हमारे सुनने वाले, जो हमारे हर प्रकार से शांति देने वाले, चाहे जैसी परिस्थितियां हो, चाहे तूफान हो हमारे जीवन में, चाहे हमारे जीवन में हर प्रकार की समस्याएं हो, किंतु आप हमें पूर्ण शांति देने वाले हो प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारी रक्षा करने वाले हो प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि हमारा विश्वास सिर्फ आप पर है, आपके वचन पर प्रभु, जो आपने हमारे लिए पहले भी वो कार्य किया और आगे भी हमारे लिए महान और आश्चर्य कर्म करने वाले हैं। हाँ मेरे परमेश्वर, आज जितने दुखी और हर्रास और निराश प्रभु भाई बहने हैं प्रभु, आज वचन के द्वारा वो दृढ़ होते हैं, आज उत्साहित होते हैं और प्रभु मोटिवेट होते हैं वचन के द्वारा कि आप हमारे जीवन में काम करने वाले हैं। उनके हर प्रकार के आशाओं को प्रभु पूर्ण करे, शांति दे, खुशियां लाए, खुशियां प्रभु उनके जीवन में हर्ष उल्लास बना रहे प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया 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 प्रभु। प्रार्थना निवेदन करते हैं परिवार के लोगों के लिए प्रभु, भाई बहन के जीवन में उनके आशीष प्रकट होने पाए प्रभु, कि उनके परिवार के सदस्यों में प्रभु अनुग्रह हो प्रभु यीशु मसीह, परिवार के हर एक सदस्य प्रभु आपकी अगुवाई में हो, आपकी सामर्थ्य में हो प्रभु यीशु मसीह। हम सब भाई और बहनों के परिवार को प्रभु एक साथ एक संग एक मन हो के बनाए रखे प्रभु, कि वो आपके नाम की महिमा और बड़ाई करते रहे प्रभु यीशु मसीह। परिवार के हर एक जनों पर प्रभु उनको हर प्रकार से प्रेम करुणा और दया बनाए रहे, किसी प्रकार का कोई कलह ना हो, किसी प्रकार का कोई क्लेश ना हो प्रभु, सब परिवार एक साथ एक संग एक मन हो के बना रहे, हंसता खेलता परिवार, भरपूर परिवार बना रहे प्रभु यीशु मसीह। एक दूसरों की सहायता और मदद के साथ प्रभु आपके नाम की महिमा और बड़ाई सदा करते रहे प्रभु यीशु मसीह, आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमारे सभी भाई और बहनों के परिवारों को प्रभु आशीषित किया, अनुग्रहित किया, अपने प्रेम और दया में बनाए रखा प्रभु। धन्यवाद 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 करते हैं। हाँ मेरे प्रभु यीशु राजा, प्रार्थना निवेदन करते हैं हर एक भाई और बहनों के जो आज कैरियर के लिए प्रभु परेशान है, आज उनके कैरियर पे आशीष दे प्रभु, उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ दे प्रभु, कि जो कुछ वो पढ़ाई करते हैं वो उनके दिमाग में प्रभु बसा रहे, उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई नकारात्मक चीज कार्य ना करे कि जो उनको कैरियर से दूर ले जाए। आज प्रभु उनके दिमाग को स्थिर करे ताकि वो कैरियर पर फोकस कर सके, किसी भी प्रकार का कोई प्रभु भटकाव ना हो, किसी प्रकार का कोई नकारात्मक चीजें उनके भटकाने का कार्य ना करने पाए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं कि प्रभु आज वो जिस जॉब के लिए प्रभु डिजर्व करते हैं, आज वो जॉब उनके हाथों में हो, उनका मेहनत सफल हो प्रभु, उनकी एग्जाम में जो कंपटीशन की तैयारी है आज उनको पूरा करे और एग्जाम में आज उनको सफल करे प्रभु यीशु मसीह। उनके हर प्रकार के सोर्स को प्रभु आशीषित करे, अनुग्रहित करे, उन्हें सुरक्षित रखे प्रभु यीशु मसीह, कि जहां कहीं वो जाए प्रभु आपके संग संग बने रहे प्रभु। धन्यवाद करते हैं, उनके जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु हर एक बातों के लिए खुदावन। प्रार्थना करते हैं हर एक भाई और बहनों के जीवन में जो प्रभु बीमारी आ रही है, जिनको प्रभु आज रोग और दर्द और पीड़ा से है प्रभु, आज उनके जीवन से हर प्रकार के रोग खत्म होने पाए, हर प्रकार की उनकी बीमारियां खत्म होने पाए प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु राजा, आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से हर प्रकार के कैंसर की बीमारी को खत्म करते हैं यीशु मसीह के नाम से, कैंसर करने वाले ट्यूमर को आज इसी वक्त गलाते हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। जो आज इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है प्रभु, जिनको एलर्जी है प्रभु, आज वो सारे एलर्जी और इन्फेक्शन को ख़त्म करते हैं यीशु मसीह के नाम से, प्रॉब्लम्स को ख़त्म करते हैं यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। हम प्रॉब्लम करके हर प्रकार के लंग्स की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम और स्टमक की प्रॉब्लम को यीशु मसीह के नाम से खत्म करते हैं। हाँ मेरे परमेश्वर, यीशु के नाम से घुटनों की समस्याओं को डांट कर दूर करते हैं, रीढ़ की हड्डी की समस्याओं को डांट कर दूर करते हैं, पसली के कंधों के और गर्दन के दर्द को यीशु मसीह के नाम से दूर भगाते हैं। हर प्रकार से हाड़ मांस और गुदे में प्रभु जो पेन है, जो दर्द है, पीड़ा है, आज यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं और प्रभु की चंगाई को मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह उनके आँख नाक मुंह और कान के जो प्रॉब्लम है, जो समस्याएं हैं, आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से दूर भगाते हैं। हालेलुया, धन्यवाद 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 करते हैं। बीपी, शुगर, डायबिटीज, हर प्रकार के बीमारियों को यीशु मसीह के नाम से खत्म करते हैं। प्रभु जिनके पाइल्स के प्रॉब्लम है, आज इसी वक्त उस पाइल्स को दूर भगाते हैं। हालेलुया, धन्यवाद 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 करते हैं। प्रभु आप सब भाइयों बहनों को अनुग्रहित करें, आशीषित करें, उनके दुर्बलताओं को दूर करें, परिस्थितियों को बदले, हर बीमारी को दूर करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक बातों के लिए। प्रभु आपने हम सभी भाई और बहनों को आशीषित किया, अनुग्रहित किया। प्रभु यीशु मसीह आपने हमारे सभी भाई और बहनों के जीवन में हर घटी हर कमी को पूरा किया प्रभु, प्रार्थनाओं को सुना प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। आपके हाथों में सब कुछ सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए प्रभु। सारी महिमा आदर आपको देते हैं, आपके नाम से, सामर्थ्य नाम से प्रभु इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।